सबसे पहले अपने पे मैनेजर सर्च किया गूगल में, पे मैनेजर पे क्लिक करेंगे। ये पे मैनेजर की वेबसाइट ओपन हो गई है। यहाँ पे ये डिजिटल आ रहा है, डिजिटल लॉगिन। इसके लिए अपन क्या करेंगे, फॉर DDO एम्प्लॉय लॉगिन, और लॉगिन में ऑफिस आईडी डालेंगे, पासवर्ड इंसर्ट करेंगे, उसके बाद कैप्चा इंसर्ट करेंगे, और DDO को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद लॉगिन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद पे मैनेजर का मैसेज शो होगा, चेकबॉक्स में क्लिक करेंगे और लॉगिन करेंगे। ये पे मैनेजर की वेबसाइट ओपन हो गई है। सबसे पहले बिल प्रोसेसिंग, उसके बाद बिल नंबर एलोकेशन। सेलेक्ट ऑप्शन में बिल एलोकेशन मैनुअल रहेगा। ये सेलेक्ट कैटेगरी में सैलरी पे क्लिक करेंगे। उसके बाद सब टाइप में रेगुलर सैलरी के लिए रेगुलर करेंगे। ऑब्जेक्ट हेड में 01, पे मंथ जो मंथ चल रहा है वो, पे ईयर, बिल डेट, अब क्या, बिल नंबर जो अपने रजिस्ट्री के अकॉर्डिंग है वो डालेंगे, और बिल नेम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद सबमिट, बिल रजिस्टर डिटेल एडिट सक्सेसफुली, ओके किया, बिल नंबर अलोकेशन हो गया है। उसके बाद सैलरी प्रोसेस, इसके लिए बिल प्रोसेसिंग, सैलरी प्रिपरेशन और मंथली सैलरी प्रोसेस पे क्लिक करेंगे। यहाँ मंथ सेलेक्ट करेंगे जिस मंथ की सैलरी बना रहे हैं, बिल एलोकेशन में दिया था वो मंथ अगस्त, उसके बाद ईयर, जो बिल नंबर एलोकेशन किया था वो बिल यहाँ शो करेगा। चेकबॉक्स में क्लिक करेंगे, ऊपर ये इंडिविजुअल सैलरी प्रोसेस की, किसी एक एम्प्लॉय दो एम्प्लॉय की बनानी हो तो उस पर क्लिक करेंगे। प्रोसेस किया, सैलरी प्रोसेस्ड सक्सेसफुली, ओके। अब बिल फॉरवर्ड टू DDO करेंगे। बिल प्रोसेसिंग में बिल फॉरवर्ड टू DDO, मंथ सेलेक्ट करेंगे, ईयर सेलेक्ट करेंगे, बिल टाइप सैलरी, बिल नेम जो नेम दिया था हमने बिल का वो, उसके बाद जो बिल नंबर अपने डाला था वो यहाँ शो करेगा। चेकबॉक्स पे क्लिक किया और फॉरवर्ड। बिल फॉरवर्ड सक्सेसफुली, DDO फॉरवर्ड हो गया। अब ट्रेजरी फॉरवर्ड करने से पहले अपन इसका चेकलिस्ट देख लेंगे बिल की सही है या नहीं। एक बार ट्रेजरी को फॉरवर्ड हो गया तो उसके बाद अपन कुछ चेंज नहीं कर सकते। सैलरी रिपोर्ट में ऑल सैलरी रिपोर्ट सेलेक्ट करेंगे, ईयर मंथ और बिल नेम सेलेक्ट करेंगे, बिल नंबर जिस जो भी बिल अपन बना रहे हैं जिस नंबर का बिल उसको सेलेक्ट करेंगे, रिपोर्ट टाइप में इनर देखते हैं अपन, इनर और शो रिपोर्ट। ये एक चेकलिस्ट जनरेट होगी ट्रेजरी फॉरवर्ड से पहले, चेकलिस्ट एक बार देख लेते हैं, क्योंकि ट्रेजरी को फॉरवर्ड होने के बाद उस बिल में अपन कोई चेंजमेंट नहीं कर सकते ट्रेजरी से रिवर्ट किए बिना। ये सैलरी रिपोर्ट ओपन हो गई है, इसमें एम्प्लॉय देख लेंगे सैलरी सही बनी है या नहीं बनी है।
पूरी तरह से संतुष्ट होने के बाद एक बार आउटर वो देख लेते हैं इसका। संतुष्ट होने के बाद आप बिल को करेंगे ट्रेजरी फॉरवर्ड, ऑथराइजेशन में जाएंगे बिल फॉरवर्ड टू ट्रेजरी। मंथ सेलेक्ट करेंगे, ईयर सेलेक्ट करेंगे, बिल टाइप सेलेक्ट करेंगे सैलरी, बिल नेम सेलेक्ट करेंगे, ये बिल नंबर जो अपन बना रहे हैं वो शो हो जाएगा। चेकबॉक्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ ये सबमिट पे क्लिक करेंगे। डिटेल इंसर्टेड सक्सेसफुली, ओके। और अब करेंगे फॉरवर्ड इसको, बिल फॉरवर्ड सक्सेसफुली। अब ये बिल ट्रेजरी को फॉरवर्ड हो चुका है। अब इसके प्रिंट आउट लेंगे, रिपोर्ट्स में सैलरी रिपोर्ट और मंथ ईयर बिल नेम और बिल नंबर सेलेक्ट करेंगे। रिपोर्ट टाइप, रिपोर्ट टाइम आप पहले आउटर लेते हैं, सो रिपोर्ट, ये आउटर डाउनलोड हो गया है। इसका प्रिंट ले लेंगे। अब प्रिंट दो कॉपी में लेंगे, एक ओसी के लिए ऑफिस कॉपी, दूसरा ट्रेजरी को जमा करवाने के लिए प्रिंट। आउटर का प्रिंट ले लिया, अब लेंगे इनर का प्रिंट। अब सेलेक्ट करेंगे इनर, इनर करके शो रिपोर्ट, शो रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो इनर डाउनलोड हो जाएगा। इसको इनर का प्रिंट लेंगे सेम दो कॉपी में, लेंगे शेड्यूल, शेड्यूल एक साथ ले लेंगे ऑल शेड्यूल्स में। ये सारे शेड्यूल्स डाउनलोड हो गए हैं, इनकम टैक्स, आरपीएमएफ, जीपीएफ, एसआई का, ये एनपीएस का शेड्यूल, शेड्यूल का भी ले लेते हैं प्रिंट। एक कॉपी ऑफिस कॉपी हो जाएगी, दूसरी कॉपी ट्रेजरी में सबमिट कर देंगे। थैंक यू।